सत श्री अकाल, एबीपी सांझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर ते फ्रंट फुट दे विच। सब तो पहला हेडलाइंस, लुधियाना ब्लास्ट एनआईए ने दर्ज किया केस, एफआईआर च गगनदीप ते मुल्तानी का नाम शामिल। पुछगिछ लई जर्मनी रवाना होगी एनआईए की टीम। मृतक गगनदीप की महिला पुलिस मुलाजम भी किया गया सस्पेंड। कांग्रेस के होर लीडर के पार्टी छड्डण दीआं चर्चावां विचाले बीजेपी का वड्डा बयान। अश्विनी शर्मा का दावा, भ्रिष्टाचारियों लई नहीं कोई थां। ब्रह्म महिंद्रा बोले, मेरे डीएनए च है कांग्रेस। मनजिंदर सिरसा ने वापस लिया अपना अस्तीफा, बने रहणगे दिल्ली कमेटी के प्रधान। कमेटी का कामकार प्रभावित होने दस्सिया यू टर्न की वजह, 1 दसंबर को अस्तीफा देकर बीजेपी च होई जी शामिल। कोरोना के वधे केसां ने नवे साल का जश्न किया फिक्का। देश ओमीक्रोन वायरस करके मौतां, ओमीक्रोन के केस 1300 तो पार, पर कोरोना के कहर दरमियान जारी ने सियासी रैलियां। दुनिया ने किया साल 2022 का स्वागत, सब तो पहला न्यूजीलैंड ने मनाए नवे साल के जश्न। ऑकलैंड च आतिशबाजी ते सुंदर लाइटां नाल मनाई गई खुशी। आस्ट्रेलिया ने भी कहा 2022 नूं खुशामदीद। जर्मनी दे विच बैठे लुधियाना बंब ब्लास्ट मामले दे मुलजम जसविंदर सिंह मुल्तानी दे खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया। एनआईए दी टीम जर्मनी जाएगी ते जसविंदर सिंह मुल्तानी तो पुछगिछ भी करेगी। इस मामले दे विच एक होर खुलासा होया, देखदे इस रिपोर्ट दे विच। लुधियाना के जिला अदालती कंपलैक्स च बंब धमाके के मुलजम जसविंदर सिंह मुल्तानी खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज किया। जसविंदर मुल्तानी इस समय जर्मनी में रह रहे हैं। मुल्तानी ते देश खिलाफ लड़ाई, अनलॉफुल एक्टिविटी वर्गिया संगीन धाराएं लाई गई ने। केंद्रीय जांच एजेंसी मुल्तानी तो पूछगिछ लई जर्मनी जाएगी, पर इधर चोणां मौके इन्हां घटनावां नूं लैके सूबे की सियासत गरमाई हुई है। पटियाला विच शांति मार्च करदिआं अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार नूं घेरिया, पुछिआ धमाके दा मास्टरमाइंड क्यों नहीं फड़िया गया। लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, किसने करवाया, उसका मास्टरमाइंड कौन था, अभी तक पकड़ा नहीं गया। हर चुनाव के पहले 2017 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, 2017 में भी मौड़ मंडी में बम ब्लास्ट किया था। उन्होंने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, पंजाब के अंदर माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टियां और ये नेता, इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। केजरीवाल ने इल्जाम लाया कि चन्नी सरकार कमजोर है, सिर्फ सरकार अंदर कुर्सी की लड़ाई चल रही है, किसी नूं पंजाब की परवाह नहीं। मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहा है, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा मैं सीएम बनू। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। हालांकि जवाब सरकार भी दे रही है, पर चोणां मौके अजिहियां घटनावां जरूर कानून व्यवस्था उपर सवाल उठाउणगियां। 23 दसंबर नूं लुधियाना दे जिला अदालती कंपलैक्स च बंब धमाका होया सी, तार जर्मनी नाल जुड़ी। नतीजा जसविंदर सिंह मुल्तानी खिलाफ कार्रवाई हुई। हाल ही विच कहा गया सी कि जसविंदर सिंह मुल्तानी नूं जर्मनी दे एयरफर्ट तों फड़िया, पर बाद विच एसएफजे वालों दावा किया गया कि मुल्तानी जर्मनी स्थित अपने घर में है, किसी ने उसनु गिरफ्तार नहीं किया। पर जांच एजेंसियों ने कहा कि मुल्तानी नु हिरासत में लेके पूछगिछ की गई सी। बर्लिन विच भारत वालों अतवाद विरोधी एजेंसियों नाल सबूत सांझे करने बाद उसनु हिरासत में लिया गया। कहा गया कि लुधियाना बंब धमाके की शुरुआती जांच में ही मुल्तानी का नाम सामने आ गया सी। जसविंदर सिंह मुल्तानी मौजूदा समय जर्मनी च रह रही है। मुल्तानी जर्मनी दे एयरफर्ट रहिंदा है। पिछोकड़ हुशियारपुर के मुकेरियां अधीन आउंदे पिंड मनसूरपुर नाल जुड़िया होया है। जसविंदर सिंह मुल्तानी खालिस्तानी लीडरां दा करीबी दसाया जांदा है।
मुल्तानी खासकर SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी है। जसविंदर सिंह मुल्तानी करीब 40 साल तो अपने पिंड नहीं आया, वो अपने भरा ते भैन नाल जर्मनी ही रह रहे हैं। मुल्तानी के पिंड विचले घर उन्होंने पिता अजीत सिंह रह रहे हैं। जो उन्हां तो जसविंदर मुल्तानी बारे पूछा गया सी तो उन्होंने दस्या सी कि वह कदे पिंड नहीं आया। लुधियाना ब्लास्ट नाल उन्होंने बेटे का नाम जान बुझ के जोड़िया जा रहा है। अरेस्ट कर दिता गया, क्यों उत्थे उहदे कहा जा रहा कि उहदे जिहड़े तार ने जिहड़ा लुधियाना बंब ब्लास्ट होया उहदे विच जुड़े पए ने। ऐ चुप पौके जे ने, कोई चक्कर ही नहीं हैगा, उहने सारी उमर ही उत्थे हो गई, इत्थे वड़े ने कदी। अच्छा, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? मुंडे मेरे पंज ने, कुड़ी वी, उसे कुड़ी वी जर्मन ने। अच्छा, कोई नहीं इत्थे हैगा। चाहे मुल्तानी के पिता अपने पुत्र उत्ते लगे इल्जामां नूं साजिश दस रहे ने, पर इल्जाम है जसविंदर मुल्तानी के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नाल ने। नतीजा लुधियाना बंब धमाके के तार पाकिस्तान नाल जुड़ रहे ने। क्या ये ISI का ही पूरा मास्टरमाइंड ISI है? इसका एक बहुत अहम रोल ISI का है, बहुत अहम रोल, मेजर रोल ISI का है। हालांकि पुलिस कड़ियां दर कड़ियां जोड़ रही है। इल्जाम है कि जसविंदर मुल्तानी भारत के वख-वख शहरों में धमाके करने की साजिश में शामिल है, जिन्हां विच लुधियाना भी शामिल सी। लुधियाना कोर्ट में धमाका करने वाले गगनदीप सिंह को जांच एजेंसियों एक इंटरनेट डोंगल मिली सी। कहा गया कि जो इसकी जांच की गई तो कई इंटरनेट कौमांतरी कॉल बारे पता चलिया, जिस तो बाद जांच एजेंसियों ने जर्मनी में जसविंदर सिंह मुल्तानी को दबोचया। मुल्तानी उत्ते इल्जाम है कि वह भारत को दहलाने लिए पाकिस्तान तो अपने गुरगिया राही इंडिया में हथियार और गोला बारूद भेजता रहा है। इस तो इलावा ड्रग तस्करी राही फंड भी जुटाता है। जांच एजेंसियों को पता चलिया कि लुधियाना धमाके की साजिश मुल्तानी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने रची है। रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वधावा सिंह बब्बर नाल जुड़िया होया है। 23 दिसंबर को लुधियाना के जिला अदालती कंपलैक्स में बंब धमाका होया। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत और 5 लोग जख्मी हुए सन। धमाके की जांच बाद पता चलिया कि मारिया गया व्यक्ति ही मुलजम से, जिसकी पछाण पंजाब पुलिस के बर्खास्त हौलदार गगनदीप सिंह वजो हुई सी। मुलजम गगनदीप सिंह की महिला साथी पुलिस मुलाजम कमलजीत कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। इल्जाम है कि उसने ड्यूटी दौरान एक मुलजम नाल राबता रखिया। अजकल वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र पंजाब दे विच होर पार्टियां दे लीडरां ते भी है, पर हुण BJP ने कह दिता है कि ये लीडर सानू नहीं चाहिए ने। किहड़े ने ओ लीडर जिन्हां नू लैण तो भारतीय जनता पार्टी ने कीता इनकार? दिखावांगे ब्रेक दे उस पार। विधानसभा चोणां तो पहला पंजाब दे विच सियासी तरातर तलाशन की कोशिश दे विच लगी हुई BJP कांग्रेस सने श्रोमणी अकाली दल दे कई लीडरां नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल करवा चुकी है, पर हुण BJP ने कहा कि भ्रष्ट लीडरां दी उन्हां दी पार्टी दे विच कोई भी थां नहीं है। BJP प्रधान अश्विनी शर्मा ने किस वल कीता इशारा, देखते इस रिपोर्ट दे विच। पर हुण BJP दे हो चुके ने। किसानी अंदोलन खत्म होने बाद डैमेज कंट्रोल दे लई BJP वालों हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। मकसद पंजाब की सियासी धरातल से बस पैर लग जाण। कांग्रेस के कई होर मंत्रियों ते विधायकों के BJP च जाण दीआं चर्चावां ने, पर इस विचाले BJP दे सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने साफ कर दिता है कि पंजाब च पार्टी का विस्थार लगातार हो रहा है। सारिया पार्टियां दे लीडर BJP च शामिल हो रहे ने, पर भ्रष्ट लीडरों लई BJP च कोई थां नहीं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हां नूं भी ज्वाइन करवा रही है उन्हां दा सारा इतिहास घंघालिया जा रहा है, और BJP दी भ्रष्टाचार नूं लैके बड़ी स्पष्ट नीति है कि इहनूं किसी भी कीमत तक सहन नहीं किया जा सकता, और स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस है। इस करके ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिहदे उत्ते भ्रष्टाचार के आरोप होणगे पार्टी के अंदर उन्हां दे कोई स्थान नहीं हैगा। हालांकि अश्विनी शर्मा ने किसी मंत्री जां लीडर दा नां तां नहीं लिया, पर सवाल यही है कि वह किहड़ा मंत्री जां विधायक है जो BJP च जाण दे लई काला है। खैर, कांग्रेस की चिंता है,
जो पहला ही नवजोत सिद्धू ने वधा रखी है। हालांकि ये इशारा लुधियाना वेस्ट तो विधायक अते कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। दरअसल बीते दिन आशु दे लुधियाना च पोस्टर लगे सन जिस ते ना तां कांग्रेस दा हाथ सी अते ना ही किसी होर लीडर दी तस्वीर, तां अजिहे च इन्हां पोस्टरां दे वख-वख मायने भी कढे गए। रेस जल्द तो जल्द कांग्रेस दा हाथ छड्डन दी लगी तां इन्हां पोस्टरां दे जरिए आशु दे नाम ते चर्चा तेज होना लाजमी सी। पंजाब दी सियासी फिजा च कांग्रेस दा हाथ छड्डन वालियां दी चर्चा च एक नाम होर भी सी, ओ सी कांग्रेस दे वड्डे लीडर ते मंत्री ब्रह्म महिंद्रा। हालांकि इन्हां सारियां चर्चावां ते क्यासां ते खुद ब्रह्म महिंद्रा ने एक कह के विराम लगा दिता है कि ओ जम्मे भी कांग्रेस च सन अते मरणगे भी कांग्रेस च ही। देखो गल ए वी जे कोई इस गल नूं सोच रिहा दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सर जी मैं एक एक, एक चैनल ते अगे मेरी इंटरव्यू चल रही सी, मैं उन्होंने सवाल किया सी, मैं क्या मैं तो असी लोग सोच नहीं सकते, मेरा डीएनए है जड़ा, माय डीएनए इज कांग्रेस। हाँ जी आई वाज बोर्न इन कांग्रेस, आई विल डाई इन कांग्रेस, डे वन तो मेरा स्लोगन है। खैर ब्रह्म महिंद्रा दा तां डीएनए भी कांग्रेसी है, पर हुण कई अपना डीएनए बदलणगे अते कईयां दे जान दी चर्चा है। जो पंजाब च विधानसभा चोणां तों पहलां कांग्रेस दे लई किसे वड्डे झटके तों घट नहीं, खासकर पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिद्धू दी लीडरशिप ते सिद्धे सवाल उठने भी सुभावक ने। जदों हुण खुद सिद्धू कांग्रेस अंदर चन्नी सरकार च अपनी कप्तानी विखा रहे ने तां इक इक करके कांग्रेसी पार्टी दे जहाज चों छालां मार रहे ने। सियासत दे इस पाणी चों बीजेपी दे कमल ते तैरते विखदे ने। ਭਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। दिसंबर दे 29 दिन ओमीक्रोन दे 1300 दे करीब केस, ये अंकड़े मुड़ तो भारत नूं डराउण लगे ने। 24 घंटिया दे अंदर 300 ओमीक्रोन दे केस आए ने जो हुण तक दा भारत दे विच सब तो वड्डा अंकड़ा है। वैसे तो पूरे मुल्क च करोना दा असर है पर मुंबई अते दिल्ली हालो बेहाल ने। दिल्ली दे विच ओमीक्रोन दे केस 320 हो गए ने जदों कि महाराष्ट्र दे विच 450 ते गुजरात दे विच ओमीक्रोन दे 97 केस ने। हरियाणा दे विच 14, चंडीगढ़ दे विच 3 ते पंजाब अते हिमाचल प्रदेश दे विच एक एक ओमीक्रोन दा केस है। 2 दिसंबर नूं मुल्क च पहला ओमीक्रोन दा केस आया अते 29 दिनां दे अंदर ओमीक्रोन दे केस 1300 तक पहुंच गए। 2 दिसंबर नूं पहला केस आया सी ते 18 दिसंबर नूं 100 केस हो गए। 21 दिसंबर नूं 200 केस होए जदों कि 2 दिन दे अंदर यानी कि 23 दिसंबर नूं 100 केसां दा इजाफा होया ते 300 ओमीक्रोन दे केस हो गए। 25 दिसंबर नूं 400, 27 दिसंबर नूं 500 अते 28 दिसंबर नूं ओमीक्रोन दे केस 600 हो गए। 29 दिसंबर नूं इह आंकड़ा 780 होया जदों कि 30 दिसंबर नूं 1000 तों पार हो गया इह आंकड़ा। 31 दिसंबर नूं करीब 1300 ओमीक्रोन दे केस पूरे भारत दे विच हो गए सन। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਯੋਧਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
बेशक सरकार ने अजे इकट्ठा ते पाबंदी तां नहीं लाई पर सेहत मंत्रालय वालों एहतियात वरतन दे लई आख्या गया है क्योंकि देश दे विच ओमिक्रोन करके एक मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र दे विच नाइजीरिया तो परते एक शख्स ने दम तोड़िया पर बावजूद इन्हां हालातों के भीड़ तो कोई परहेज नहीं किया जा रहा। पंजाब च 24 घंटिया के अंदर 167 करोना केस आए ने जदों की कुल एक्टिव केसों का अंकड़ा 582 हो गया। 28 दिसंबर नूं पंजाब दे विच 51 केस आए सन, 29 दिसंबर नूं 100 ते 30 दिसंबर नूं आंकड़ा 167 हो गया, यानी कि नित दिन 50 तो वध करोना केस पंजाब दे विच आ रहे ने। सेहत मंत्रालय ने जो भारत दे आंकड़े पेश कीते ने उन्हां तो अंदाजा लाया जा सकता है कि हालात हुण बेनेमिया करन दे नहीं ने। 29 दिनां दे अंदर ओमिक्रोन 23 सूबयां दे विच फैलिया। पहले दो केस 2 दिसंबर नूं कर्नाटक च मिले सन, हालांकि 400 तो वध ओमिक्रोन मरीज सेहतयाब भी हो चुके ने। 8 सूबे अजिहे भी ने जिथे ओमिक्रोन का कोई केस नहीं है। पूरी दुनिया के 121 मुल्क अजिहे ने जिथे ओमिक्रोन पहुंच चुके है। 3.5 लाख लोग ओमिक्रोन नाल पीड़ित हो चुके ने। दुनिया के 59 लोग ओमिक्रोन करके जान भी गवा चुके ने। 25 नवंबर नूं दक्षिणी अफ्रीका दे विच पहली बार ओमिक्रोन मिलिया सी। ना सिर्फ ओमिक्रोन बल्कि दुनिया के मुड़ तो करोना कहर बनता जा रहा है। भारत दे विच 33 दिनां बाद 10,000 तो भी वध करोना केस मिले ने जिसने फिकर वधा दित्ती है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया दे विच ओमिक्रोन दा असर नजर आ रहा है। हुण तक 3.5 लाख लोग ने दुनिया दे विच ओमिक्रोन दे नाल प्रभावित हो चुके ने ते उधर ओमिक्रोन दा असर उड़ाना ते भी पैंदा नजर आ रहा है। कैनेडा, अमेरिका सने ब्रिटेन दे विच सैकड़े तो वध जिहड़ियां फ्लाइट्स ने ओ करोना करके रद्द करनियां पईआं ने। कोरोना दे ओमिक्रोन वेरिएंट दा असर उड़ाना ते हो रहा है। सैकड़े उड़ाना ओमिक्रोन वेरिएंट कारण रद्द करनिया पईआं। कैनेडियन वैस्टजेट एयरलाइन दे मुलाजमां दे ओमिक्रोन दी लपेट च आउण कारण एयरलाइंस नूं अपनियां 15% उड़ाना रद्द करनिया पईआं। वैस्टजेट दे बुलारे मॉर्गन बैल ने एक ईमेल दे विच पुष्टि कीती कि स्टाफ दरमियान पिछले कुछ दिनां दे विच कोविड मामलियां दे विच 35% इजाफा होया। 181 मुलाजमां दा कोविड टैसट पॉजिटिव आ चुके है। वैस्ट जैट ने पिछले 72 घंटियां च कई उड़ाना नूं मुलतवी जां रद्द कर दिता है जिस नाल कारोबार भी खासा प्रभावित होया है। अमेरिका च भी कोरोना कारण अजिही ही स्थिति बनी हुई है। अमेरिका च बुधवार नूं 850 उड़ाना रद्द हुईयां, 1300 उड़ाना मंगलवार नूं रद्द करनियां पईयां, 1500 उड़ाना सोमवार नूं रद्द हुईयां। अमेरिका च वड्डी गिणती च लोक अते एयरलाइंस दे मुलाजम कोरोना तों पीड़ित हो रहे ने, हस्पताल मरीजां दे नाल भर रहे ने। अमेरिका समेत दुनिया भर च स्थिति गंभीर है। अमेरिका 24 घंटिया दौरान 5,72,000 तों वध केस दर्ज किए गए। फ्रांस च 24 घंटिया दरमियान 2,00,000 तों वध केस रिकॉर्ड किए गए। ब्रिटेन च 24 घंटिया दौरान कोरोना केसां दा अंकड़ा 1,99,000 तों पार रहा है। अमेरिका च ओमिक्रोन वेरिएंट दे नाल पीड़ितों की गिणती च लगातार वाधा हो रहा है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 73% मामले ओमिक्रोन के ने। इत्थे नॉर्थ वैसट दक्षण और मिड वैसट के इलाकों च यह अंकड़ा 90% तो पार पहुँच चुकी है। इस कारण बाइडन फिक्र जता रहे हैं। पूरे यूरोप दे विच कोरोना ने तेज़ रफ्तार फड़ ली है। इस कारण कई मुल्कों च पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन च वध रहे ओमिक्रोन दे केसों का असर दूजे मुल्कां ते भी हो रहा है। यही वजह है कि हुण दक्षिणी अफ्रीका तो बाद दुनिया ब्रिटेन ते यात्रा पाबंदी ला रही है। ब्रिटेन दे सेहत मंत्री ने कहा कि नवा वेरिएंट तेज़ रफ्तार दे नाल फैल रहा है जिस कारण लोगों को वैक्सीन लगवाउण अते एहतियात वरतन की अपील की गई है। ब्रिटेन च वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए भी लोगों च होड़ है। एक दिन च 44 लाख तो ज़्यादा लोगों ने स्टॉक बुक करने की कोशिश की। ओमिक्रोन वेरिएंट दुनिया के 99 तो वध देशों तक फैल चुके हैं। विश्व सेहत संगठन ने चेतावनी दी है कि 3 दिन च ओमिक्रोन के मामले दोगुणा हो रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट की वजह के नाल पूरी दुनिया च दहशत का माहौल है। इस विचाले इजराइल ने कई होर देशों नूं रैड लिस्ट दे विच शामिल किया है ते नाल ही अपने नागरिकों नूं अमेरिका ते कैनेडा की यात्रा ना करन दी अपील की है। यूरोपीयन देशों नूं भी रैड लिस्ट दे विच शामिल किया गया। इस तों इलावा नीदरलैंड ने स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट नूं 14 जनवरी तक बंद कर दिता है। जर्मनी ने भी सख्त पाबंदियां लागू कीतियां ने। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ।
साल 2021 का सूरज ढलिया ते 2022 नू दुनिया ने इस्तकबाल कहा। सब तो पहला न्यूजीलैंड के ऑकलैंड दे विच खूबसूरत रोशनियां अते आतिशबाजी दे नाल 2022 दा स्वागत किया गया, जिस तो बाद ऑस्ट्रेलिया दे सिडनी दे विच भी खूबसूरत नज़ारा देखने नू मिलिया। कड़ी दी सुई जिमें ही 12 ते पहुंची, पूरी दुनिया ने आतिशबाजी ते खुशियां दे नाल नवे साल का स्वागत किया। दुनिया भर च नवे साल का आगाज हो चुके। साल 2022 नू सब तो पहला खुशामदीद न्यूजीलैंड ने कहा। ऑकलैंड च आतिशबाजी सुंदर रोशनियां दे नाल नवे साल के जश्न मनाए गए। ऑकलैंड दीयां ज़्यादातर खास थावां नू सुंदर लाइटां दे नाल सजाया गया। दुनिया च नवे साल की सब तो पहला आमद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड हुंदी है। ऑकलैंड दुनिया का इकलौता वड्डा शहर है जिथे नवे साल की शुरुआत बिना किसी पाबंदी तो हुई है। इस तो बाद दीयां तस्वीरां ऑस्ट्रेलिया दीयां ने। सिडनी च नवे साल नूं खुशामदीद कहण दे लई लोग पहुंचे। कोरोना नियमां दी पालना कीती गई, बेहतरीन तरीके दे नाल नवे साल दे जश्न मनाए गए, आतिशबाजी कीती गई, पटाके चलाए गए। साल 2021 नूं अलविदा कहा है। भारत च भी नवे साल दीयां रौनकां ने। शिमला च नवे साल मौके सैलानी पहुंचे। देश विदेश तो वड्डी गिणती च सैलानी नवा साल मनाउण दे लई पहुंचे सन। नवे साल मौके रूहानियत दे केंद्र श्री दरबार साहिब विखे वड्डी गिणती च संगत नतमस्तक होण दे लई पहुंची। देश ते दुनिया दे विच नवें साल दा जश्न जरूर मनाया जा रहा है, पर एहतियातां दे नाल, क्योंकि कोरोना दा खतरा अजे टलिया नहीं है, सिर ते मंडरा रहा है। मुड़ तो कोरोना केसां दे विच इजाफा हो रहा है, ते इसे नाल जुड़िया होया सी साडा अज दा सवाल। असीं अपने दर्शकां नूं सवाल पुछा सी कि की उन्हां सूबियां दे विच जिथे चोणां होणियां ने उत्थे वड्डियां सियासी रैलियां कोरोना दे वधण दा कारण तां नहीं बन सकदियां, इस दे नाल कोरोना दा खतरा वधेगा तां नहीं। इस ते सानूं दर्शकां दी राय वी हासिल होई है। कू यूजर ने गीत कौर उन्हां ने लिखिया कि ओमिक्रोन भारत समेत कई देशां दे विच पैर पसार रहा है। विदेशां दे विच खतरे नूं देखदे होए लोकां दे इकट्ठ ते रोकां लाईयां गईयां ने। पंजाब सने चोणां वाले सूबयां दे विच हालांकि वड्डियां वड्डियां रैलियां हो रहियां ने, इकट्ठ कीते जा रहे ने, गाइडलाइनस तां ने, पर मन्नण वाला कोई नहीं है। ना तां लीडर ही इस दी पालना कर रहे ने ते ना ही लोक। जाहिर है कि चोणां दे नाल नाल खतरनाक ओमिक्रोन दा पसार है जिहड़ा, उहदा जिहड़ा खतरा है उह वी सिर ते मंडरा रहा है। यानी कि इह सवाल लीडरां ते वी खड़े कर रहे ने ते लोकां ते वी, क्योंकि जिहड़े नेम ने उहनां दी पालना नहीं हो रही। बेशक कोरोना दी जो दूजी लहर सी उस वेले भारत ने बेहद माड़ा वक्त हंडाया सी, पर हुण चोरां जिहड़ियां ने उह सिर ते ने, ते जो रैलियां हो रहियां ने वख-वख सूबयां दे विच, वड्डी पीड़ उत्थे नज़र आ रही है ते जिहड़े हालात ने उह बेकाबू हो सकदे ने, क्योंकि ओमिक्रोन सने कोरोना दा जिहड़ा खतरा है उह लगातार वधदा जा रिहा। इसे तरहां दे नाल रोज़ असीं इक सवाल पुछदे हां जिस ते राय सानूं तुसीं वी भेज सकदे हो। ABP सांझा दा कू हैंडल है @ABP सांझा, जिस ते तुसीं अपनी राय भेज सकदे हो, जिसनूं असीं फ्रंट फुट दे विच प्रसारित करांगे। इसे दे नाल मैनूं दिओ इजाज़त, पर ABP सांझा दे दर्शकां दे लई खास जानकारी कि अपने मनपसंद दे चैनल ABP सांझा नूं हुण तुसीं टाटा स्काई दे चैनल नंबर 1929 ते वी देख सकदे हो।